नमस्कार, इंडिया ब्यूरो के टॉक शो इंडिया टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज चैनल इंडिया ब्यूरो। और इंडिया ब्यूरो के आज के हमारे स्पेशल टॉक शो में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए मिलते हैं इस फेमस हस्ती से जिन्होंने अपने काम से लोगों का दिल जीत कर लोगों की नजरों में एक अलग ही पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं इस फेमस हस्ती से इंडिया ब्यूरो के हमारे टॉक शो इंडिया टॉक में। नमस्कार, मैं हूं पूनम टांग और आप देख रहे हैं इंडिया ब्यूरो का हमारा अपना टॉक शो इंडिया टॉक। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे हस्ती से जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। तो आइए हम मिलते हैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज के प्रेसिडेंट श्री बी एन तिवारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपका इतना बड़ा फेडरेशन है तो आपके इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या क्या काम करते हो? दरअसल फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज जो है एशिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा फेडरेशन है। 70 साल हमारे फेडरेशन को हो गया है। इसमें 36 क्राफ्ट हैं, जैसे डायरेक्टर है, कैमरामैन है, साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, मेकअप मैन है, आर्ट डायरेक्टर हैं, स्टिल फोटोग्राफर हैं, स्पॉट बॉय हैं, लाइट मैन हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, महिला हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, ऐसे करते करते तमाम 36 क्राफ्ट है जो एक मदर बॉडी कहलाती है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, उसके अंतर्गत आती है। इसमें करीब मोर देन 5 लाख लोग काम करते हैं। और बहुत बड़ी संस्था है, इसकी रिस्पांसिबिलिटी हम सबके ऊपर रहती है। ये वर्कर के हित के लिए काम करती है। जी सर। जैसे कोरोना काल में हमने अपने वर्कर और टेक्नीशियन के लिए 48 करोड़ रुपया इकट्ठा किया था और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। उनमें राशन भी था, लोगों को कूपन दिया गया, उनके अकाउंट में पैसे डाले गए। इसमें सबसे बड़ा हमारा जो डोनर था, दानकर्ता जिसको बोलते हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इस तरीके से बड़े बड़े लोग थे। यशराज कंपनी अभी तक करते आ रही है लोगों की मदद। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिन्होंने 20,000 लोगों को उस समय वैक्सीनेशन करवाया था। वैक्सीनेशन के टाइम फ्री उपचार, उनको खाने पीने, एक 5-स्टार होटल की व्यवस्था की गई थी, जैसे सेट लगाया गया था वहाँ पर, हजारों आदमियों का रोज करते थे। तो काफ़ी लोगों ने, अजय देवगन ने, रोहित शेट्टी, तमाम आर्टिस्टों ने, बोनी कपूर, ये वो तमाम लोगों ने इस तरीके से मदद किया वर्करों का। और फ्रेम जो कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी, हेमंत भाई हैं उसमें, जिन्होंने सबसे पहले 4,000 लोगों को राशन किट दिया था। जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, जब लगा था कि बहुत मुश्किल है, तो जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके डेली बेसिस काम करने वाले हैं, डांसर हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके लिए हमने वो मदद उनके घर तक पहुंचाया। और इस तरह से हम बहुत सारे काम करते हैं। हम अपने वर्कर के हित के लिए काम करते हैं। यदि उनका कोई प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा है, सेट पर महिलाओं के साथ यदि गलत काम हो रहा है, जो उनको लगता है कि अनइजी फील कर रही हैं, तब मी टू का भी हमारे यहाँ से व्यवस्था है, लोगों पर लागू किया गया। बहुत सारे लोगों को हमने साल 2 साल के लिए बैन किया। यदि प्रोड्यूसर कोई पेमेंट नहीं करता है, उसको पेमेंट दिलाने का काम करते हैं। किसी को बीच में से काम से निकाल दिया गया बिना रीजन के, तो उसको रुकवाने का काम करते हैं। हमारी संस्था जो है वर्कर के हित के लिए इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं। सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू। और हमारी कोशिश है कि जब भी हम काम करें, वर्कर हित में हो, समाज हित में हो और सबके हित में हो।
देश हित में। सर अभी जो राम मंदिर बना है इसमें आपकी फिल्म इंडस्ट्री की क्या राय है सर? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिल करके इसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। आरएसएस और हिंदू महासभा का बहुत बड़ा योगदान था। पूरा देश चाहता था कि ये मंदिर बने, भगवान श्री राम को टाट से हटा करके उनको एक भवन में लाया जाए। वो हम सबकी, सिर्फ भगवान को भवन में नहीं रखा गया, हिंदुस्तान का हर वो हिंदू, हर वो जागृत आदमी जिसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है उसको लगा कि उसका अपना भवन बन गया है। एक आनंद की लहर है, इसमें समुदाय की कोई बात नहीं है। 140 करोड़ लोगों को खुशी मिली है। संसार में कुछ भी अच्छा काम होता है तो कुछ न कुछ लोगों को ज़रूर अच्छा नहीं लगता है, हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं, मगर यह है कि करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में बहुत शांति मिली है। राम मंदिर का बनना इस देश के हित में है, हमारी संस्कृति के हित में है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हित में है। बहुत सारे नए सिंगरों ने खूब गाने गाए राम के ऊपर, जो आज उनके गानों को लोग सुन रहे हैं, लाखों लोगों ने उसको लाइक किया है। हर एक मन में, जन में एक भावना पैदा हुई है, सनातन फिर से लौटा है, हिंदू इकट्ठा हुआ है। देश की प्रगति में हिंदू का बहुत बड़ा योगदान है और राम के आने के बाद उसके अंदर एक जागृति पैदा हुई है। इस देश की सरकार को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को हम बहुत हृदय से बधाई देना चाहेंगे। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा जिसकी वजह से ये काम सक्सेसफुल हुआ। जी सर, तो सर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभाल रहे हो तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर ने भी हमको काम करने का मौका दिया है, सेवा करने का एक चांस मिला है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसको आगे बहुत बनाएं। अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं और सबके हित में काम कर रहे हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। तो आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो अभी आप देख रहे थे इंडिया ब्यूरो का हमारा खास टॉक शो इंडिया टॉक। इंडिया टॉक में आप देख रहे थे आज की फेमस हस्ती के साथ एक खास मुलाकात। ऐसे ही फेमस हस्तियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे इंडिया ब्यूरो के हमारे टॉक शो इंडिया टॉक में। तो देखते रहिए इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल इंडिया ब्यूरो। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंडिया ब्यूरो, इंडिया का पहला ऑनलाइन न्यूज़ चैनल। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों और टॉक शो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।